हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बहुत टाइम के बाद व्लॉगिंग हो रही है। तो मैं जनरली व्लॉगिंग नहीं करती, रोज की वाली डेली वाली जैसी व्लॉगिंग होती है, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं उसमें दिखाऊंगी क्या, मतलब रोज क्या दिखाऊं, क्या ऐसा दिखाऊं मैं रोज का। तो मैं व्लॉग नहीं कर पाती हूँ, कोई ऐसा कुछ ऐसा नया हो रहा होता है या कुछ ऐसा नया कर रही होती हूँ तभी व्लॉग आता है। पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी की। तो अभी हम लोग आज जाने वाले हैं, क्योंकि आज बच्चों का पेपर ख़त्म हो गया है, आज ख़त्म हो गया है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं बहुत बढ़िया सी जगह पर, जो कि बनारस में नई खुली है। तो मैं अभी उसके बारे में कुछ भी जानती नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। तो पहले वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको मिलते हैं और आपको सब कुछ दिखाएंगे, क्या प्राइजेस वगैरह हैं सब कुछ बताएंगे वहाँ जाने के बाद। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे जंपिंग फ्रॉग, जो कि बनारस में खुला है नया, और मैं अपने बच्चों को लेकर आई हूँ यहाँ पे इंजॉय करने के लिए। तो अंदर चलते हैं और आपको सारी डिटेल बताएंगे, क्या प्राइस वगैरह है, सब कुछ है और कैसा क्या है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या कम कैसा माहौल है अंदर का। टाइमिंग वगैरह मनार का 400 से 10 साल से 500।
बताऊंगी, तो पूरा वीडियो देखना जरूर, बहुत मजा आया। जंप जंप, आ चलो वहां। Oh, 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 oh
यहाँ के जो स्टाफ लोग हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। और मिट्टी तो बहुत एंजॉय कर रही है, बहुत, ये बॉल पूल से निकल ही नहीं रही है, इसको इतना मजा आ रहा है कि इसी में बस खाली घुसी हुई है। चलो आओ दूसरा कुछ करेंगे, चलो गिर जाओगी। पूरी घुस गई अंदर, आओ आओ हाथ लो हाथ लो। अच्छा उससे हाथ ले रही हो, अच्छा हम लोग एकदम थक चुके हैं पूरी तरह से और मिट्टी को भूख लग गई थी तो मैं उसके लिए फ्रूटी ले आई थी, तो टी पी रही है यहाँ पर। हाँ चलो चलो चलो, और बस कुछ टाइम के बाद यहाँ पर फूड कोर्ट खुल जाएगा तो वो भी हो जाएगा। हाँ फ्रूटी दिख गई तुम्हारी, दिख गई। तो अब हम लोग घर की ओर निकल रहे हैं और पहले कुछ खाएँगे रेस्टोरेंट में, उसके बाद क्योंकि भूख लग गई है बहुत ज़्यादा, और बस फिर उसके बाद घर पहुँच जाएंगे। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, शिवम बताएगा अपना एक्सपीरियंस। शिवम तुम्हें कैसा लगा? मतलब बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं यहाँ पे कोई बड़ा आ जाएगा तो वो बोर होगा या कोई अडल्ट आएंगे, बच्चों के लिए है ऐसे बटन, सब खेल रहे हैं यहाँ पे, बड़े से बड़ा बूढ़ा बूढ़ा छोटा छोटा सब, और इतना मजा आ रहा है कि क्या हो रहा है। बनी जगह है ऐसे अच्छी सी जगह है। तो गाइज आप लोग भी आ सकते हैं, एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो जो भी बनारस के लोग हैं वो यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। बाय बाय। रेस्टोरेंट में आए हो और भूख लग रही है तो हम कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो शिवम ने ऑर्डर किया है डोसा और मैंने ऑर्डर किया है फ्राइड राइस और चिली पनीर, और यहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया इन दोनों का। तो बस अब यहाँ से खा पी कर हम निकलेंगे और फिर अब मिलते हैं आपको घर पर। अभी यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि और क्या ऑर्डर करना है, तो खाने के बाद मिलते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज हो रही है। ठीक है, एक प्लेट खाली हो चुकी है, अभी दूसरी प्लेट चिली पनीर और फ्राइड राइस की चलने वाली है ना। इतना कूदे हैं, खा लोगे ना लास्ट में, छोड़ोगे तो नहीं? मेरा पेट तो भर चुका है, तुम्हारा हो जाएगा ना? हो जाएगा। ये मेरी प्लेट है और ये मिट्टी की प्लेट। भयानक भूख लगी हम लोगों को, इतना हम लोगों ने कूदा है ना कि अब एकदम सब डाइजेस्ट हो चुका है हम लोग का, और एकदम बम्पर वाली भूख लगी है। तो हाँ